अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे साबूदाना वड़े। ये बहुत ही मस्त अच्छा बनता है। मैंने इसके लिए 1 कप साबूदाने को अच्छी तरह से धो लिया है पहले। और देखिए, अब इसमें मैं पानी सिर्फ इसके जितना ये है उतना ही डालूंगी, ज़रा भी ऊपर नहीं आएगा। और इसी में ये 4 से 6 घंटे में अच्छी तरह से, ये देखिए, इसमें से मुझे पानी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये अच्छी तरह से, ये देखिए, मैं दबा कर बताती हूँ, तैयार हो गए हैं फूल कर अच्छी तरह। और मैंने ये 5 आलू ले लिए हैं, इसे उबाल लिया है, अब इसे मैश कर लूँगी। और मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, इसमें ज़ीरे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। छोटी साइज़ की प्याज ली है मैंने, इसे चॉप कर लिया है। और ये हरी मिर्चियाँ, इसे भी फाइनली चॉप कर लिया है। और ये धनिया और पुदीना, इसे भी मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया। और ये कड़ी पत्ता है, इसे भी बारीक काट लिया, इसका भी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिला लेंगे। और ये नींबू का, मैंने इसमें आधे नींबू का रस यूज़ किया है। और आप इसमें चाहें तो सेंग भी ऐड कर सकते हैं, भून कर उसे डाल सकते हैं। और चिली फ्लेक्स का यूज़ किया है। नमक इसमें कम ही डालेंगे, मैंने 1/2 टीस्पून से भी कम ऐड किया है। धनिया 2 टीस्पून धनिया पाउडर, इससे भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। हल्दी 2 पिंच के करीब। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। ये देखिए, अब हम इसमें जो मैश किया हुआ हमारा आलू है वो भी इस पॉइंट पर इसमें मिलाते जाएंगे। ऐसे मिलाएंगे जैसे कि हम आटे का डो लगाते हैं, उस तरह से इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे पूरा बाइंड कर लिया है। और ये देखिए किस ऐसा, इसमें से मैं छोटा सा हिस्सा लूँगी। और आप जो चाहे वो शेप दे सकते हैं, गोल या इस तरह से चपटा। मैंने इसे कटलेट्स के शेप दिए हैं, इस तरह से कबाब जैसे मैंने इसे चपटे शेप दे दिए हैं। इसी तरह से हम सारे जितने हमें अभी बनाना है तल बना लेंगे, बाकी का हम फ्रीज करके भी इसे रख सकते हैं। ये देखिए, ये देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है, पकने के बाद ये और भी अच्छा लगेगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और देखिए, मैंने पैन में, इसमें हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। ये देखिए, मैंने पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रख लिया है। और अब हम इसे स्लो पे बनाएंगे, मीडियम आँच पर, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पर नहीं, वरना ये डालते ही गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। और 2-3 मिनट के बाद हम इसे टर्न करेंगे और इसे अलटते पलटते हुए हम इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसका रंग अच्छी तरह से आ जाए गोल्डन। ये देखिए, इसे 5 मिनट लगे हैं और ये अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो गया है। और आप देख सकते हैं, देखिए कितना खूबसूरत भी लग रहा है और खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार है। इसी तरह से हम सारे ही तलकर निकाल लेंगे। और ये देखिए, इतना देखने में ही आपको लग रहा होगा ये कितना क्रिस्पी बना है, और खाने में तो ये बहुत ही अच्छा है।